पॉलिटिकल सोशोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज़ फेमिनिज्म अब फेमिनिज्म बेसिकली एक स्कूल ऑफ थॉट है एक फिलॉसफी है एक आइडियोलॉजी है इसको इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं लेना चाहिए कि ये महज कोई नारेबाजी है या किसी कास्ट ग्रुप के लिए ये आवाज़ है ऐसा नहीं है बिकॉज हेयर वी आर टू टॉक अबाउट एट लेवल एज अ फिलोसफी एज अ थॉट इन कॉन्टेक्सट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल सोशियोलॉजी क्योंकि जब किसी मुआरे की बात होगी तो ज़ाहिर माशरे के अंदर रहने वाले हर फर्द से मुतालिक बात जो है वो होगी तो अगर हम रवायती मुशरों के हवाले से पहले बात शुरू कर लें तो हमें फैमिनिज़म की ज़्यादा समझ आ जाएगी जो ट्रडिशनल मुशरे जो रवायती माशरे थे उनके यहाँ चूँकि मेल डोमिनेशन की बात होती थी ख़ास तौर पर सिर्फ मर्दों के हवाले से जो है उनके पास ज़्यादा इख्तियार ज़्यादा पावर हती के वोट या राय दही में भी मर्दों की ये बात जो है वो उसका ही असर था और अक्सर जगहों पर दुनिया के अंदर खुवात को जो हक राय दही दिया गया वो तो अभी बहुत नज़दीक की बात है तो जो फेमनिज़म है बेसिकली दैट इज़ अ रेंज ऑफ सोशियो पोलिटिकल मूवमेंट्स एंड आइडियोलॉजीज डेट एम टू डिफ़ाइन एंड इस्टेब्लिश दोलिटिकल इकनॉमिक पर्सनल एंड सोशल इक्वालिटी ऑफ द सेक्सेस यानि ये नहीं है कि सिर्फ खुतिन की बात है बल्कि ये है कि माशरे के अंदर रहने वाले विदाउट एनी जेंडर डिस्क्रमिनेशन सबके पास नुमाइंदगी होनी चाहिए सबके हकूक़ होने चाहिए और सबके दरमियान जो है बराबरी होनी चाहिए चाहे वो माशर्ती हवाले से हो चाहे वो सियासी इन्वॉल्वमेंट हो सियासी मूवमेंट्स हो, या ख़ास तौर पर जो नज़रियात की तरक्की होती है क्योंकि देखिए हर इंसान अपनी एक हैत अपनी एक शनाख्त के साथ दुनिया में आया है और यकीनन उसकी आइडेंटिटी उसके लिए बहुत ज़्यादा अहम होती है इसी शख्सियत इसी शनाख्त की जो बका है इसी के लिए ही पॉलिटिकल फलासफर्स वक्त के साथ साथ नई से नई जो आइडियोलॉजीज़ हैं वो देते रहे तो फेमिनिज़म इट इनकॉर्पोरेट्स द पोजीशन दैट सोसाइटीज़ प्रायोरिटाइज द मेल पॉइंट ऑफ व्यू एंड दैट वुमेन आर ट्रीटेड अनजस्टली विद इन दोज सोसाइटीज़ मैंने आपसे पहले बात की कि बाज इलाकों में जो रवायती माशरे थे वहाँ खुवात के साथ मसावी सलूक नहीं किया जाता था आज भी ऐसा है बहुत सारे इलाकों के अंदर बिफोर द नाइनटीन सिक्सटी सोशोलॉजी कैन बी सीन एज अ मेल डिसिप्लिन अब यहाँ ये बड़ी मज़े की बात है कि हम जिस सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं जो जाहिर है कि पहले सिर्फ सोशोलॉजी तो की बात होती थी सिक्सटीज तक उसके यहाँ भी सिर्फ मेल डोमिनेशन यानी आदमियों के हवाले से बात होती थी बट फिर उसके बाद ये हुआ कि जब यह महसूस किया गया कि खुत जो हैं वो ज़्यादा मार्जिनलाइज्ड हैं उनके बारे में बात नहीं हो रही है तो फिर इस सब्जेक्ट के अंदर नए थॉट्स, नए आइडियाज़ जो हैं उनको प्रेजेंट करने वाले लोग शामिल हुए और फिर उन्होंने जो बात कही वो क्या थी दैट फेमिनिस्ट हैव ट्राइड है वीमेन्स सब ऑर्डिनेशन एंड टू प्लेस वुमेन एट द सेंटर ऑफ सोशोलॉजिकल स्टडी अकॉर्डिंग टू द सेपरेटिस्ट अप्रोच वुमेन शुड बी स्टडीड सेपरेटली फ्रॉम मैन बिकॉज देयर एक्सपीरियंस हैज़ बीन क्वालिटेटिवली डिफरेंट दैन फ्राम मैन अब खुवातिन का एक्सपीरियंसिस कैसे मुख्तलिफ होते हैं देखिए खातीन की ज़िम्मेदारियों से लेकर जो उनका रोल है जो उन्हें माशरे में परफ़ॉर्म करना है घर के अंदर भी और बाज़ात घर से बाहर भी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं उनसे डिमांड मुख्तलफ है खुतिया के साथ हर माशरे में दुनिया में कहीं भी हों खानी उनसे ये डिमांड की जाती है कि वो अपने घर को भी देखेंगी और बाहर की मेदारियाँ भी ज़्यादा अच्छे तरीके से तर अंजाम देंगी फिर उसके साथ साथ खानदानों की तहजीब तरबियत को साथ लेकर चलेंगी यानी खुवा की जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो चाहे मशरकी माशरे हों चाहे मगरबी माशरे हों जहाँ अगर ख़वात ने अपने उस रवायती किरदार से रूगरदानी की तो ज़ाहिर है उनके साथ जो सलूक उन्हीं के मुशरों ने रवा रखा उस पर भी दुनिया में डिबेट हुई जिसकी वजह से फेमिनिज़म की जो डेवलपमेंट है वो और ज़्यादा तेज़ी से हुई कि खावान के किरदार खुतीन के रोल का मतलब ये नहीं है कि उनको ऐसे इस्तेमाल किया जाए कि उनका बहसीत इंसान उनके किरदार पर सवाल उठने शुरू हो जाएं, या उनके साथ ऐसा सलूक रवा रखा जाए कि उनके जो बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं वो ही पूरे ना हो सकें चुनाचे हम ये कह सकते हैं कि सोशोलोजी जो है पॉलिटिकल सोशोलोजी खास तौर पर इसमें ये डिबेट चलती रही है और अभी भी चल रही है कि जो फेमिलिज़म है इसके बुनियादी मकासद क्या हैं क्या ये एक ऐसी अप्रोच है जो कहीं पर किसी जगह इसका एंड हो सकता है या इसके अंदर जो सवालों के जवाब हर माशरा अपने अंदाज से देता है क्या उन सवालों के जवाबों से कोई मुतमिन है बिकॉज फेमिनिज्म इज द डिबेट विच इज़ द मच 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 कंट्रोवर्शियल एवरीवेयर इन द वर्ल्ड बिकॉज नो वन इज सेटिस्फाइड विद द गिवन आंसर्स टू द क्वेश्चन रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट एंड फिलोसफी ऑफ फेमिनिज्म